नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी चैनल। इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग करना सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जो वायरिंग होने वाला है वो पट्टी वाला है, यानी कि केसिंग और कैपिंग वाला। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए कि किस तरह से यहाँ पे आप पट्टी को ठोकेंगे, मार्किंग कैसे किया जाता है, किस प्रकार वायरिंग आप करेंगे पट्टी वाला, कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये गैलरी वाला है। सबसे पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से अपना केसिंग कैपिंग वायरिंग स्टार्ट होगा। और बेहतर तरीके से समझाने के लिए देखिए, यहाँ पे पूरा पट्टी जो है मैं ठोक दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे ये जो केसिंग कैपिंग है ना, जैसे देखिए ये लगा हुआ है, इसको लगाने का सही तरीका क्या है। देखिए, इसको लगाने का सही तरीका ये है पट्टी ठोकने का। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कलर से मार्किंग करेंगे, किसी भी तरह का कलर लेंगे। रेड हो गया, लेकिन सबसे बढ़िया होता है ब्लू कलर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लाइन डोरी लगाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सूत निकालेंगे, लेबल निकालेंगे। अब लेबल को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वाटर लेबल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सीलिंग अगर आपका लेबल में है, सीलिंग अगर बिल्कुल लेबल है छत वाला, तो आप छत से मेजर टेप से मेजर कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, 90% जो है छत बराबर होता ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया जो लेबल लेने का तरीका वो है, वो आप क्या करेंगे, लेबल पाइप से लेबल लेंगे, पानी डाल के लेबल आप लेंगे। उसके बाद मार्किंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पट्टी को ठोकेंगे, ठीक है। केसिंग कैपिंग वायरिंग है, जो इसके अंदर नीचे बेस होता है उसको केसिंग बोला जाता है। उसके बाद जो कवर होता है उसको कैपिंग बोला जाता है। जैसे देखिए, ये अपना पट्टी है ना, तो ये वाला जो है इसको केसिंग बोलते हैं, और ये वाला जो है इसको कैपिंग बोला जाता है। केसिंग यहाँ पे करने के बाद इस तरह से कैपिंग किया जाता है। और इसको अगर दूसरे भाषा में बताऊँ तो इसको आप बेस बोल सकते हैं, और इसको आप कवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस है और कवर है। अब देखिए, मेरे केस में क्या है, यहाँ पे जो छत लगा हुआ है वो सेटिंग वाला है, प्लाई का सेटिंग था। देखिए, सीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कहीं भी ये लेवल नहीं है पूरा। तो अगर यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगा तो पट्टी जो है अप डाउन होगा। अगर मैं सीलिंग का लेवल लेके चलूँगा तो पट्टी मेरा दिखने में गंदा दिखेगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का मार्किंग नहीं किया गया है। जहाँ पे छत का लेवल अप डाउन हो या फिर छत में स्लोप दिया गया हो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ आँख से देखेंगे पट्टी मेरा सीधा है। हाँ, अगर सीधा है तो फिर आप उसको पट्टी को ठोक देंगे। इस तरह से यहाँ पे किया जाता है, पूरा काम इसी तरह से यहाँ पे किया गया है। मैंने आपको बताया है, अगर सीलिंग आपका सही है, बिल्कुल बराबर है, तो फिर आप मार्किंग करके लेबल लेके उसके बाद पट्टी को ठोकेंगे। और अगर सीलिंग जो है बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो फिर आँख से इस तरह से देख के लेबल आप करके उसके बाद पट्टी को ठोकेंगे। देखिए, और यहाँ पे सीलिंग में क्या है, सीलिंग में इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप पहले ही डाला गया था। आप देख सकते हैं वायरिंग पूरा यहाँ पे डाला गया, अंदर अंदर सिर्फ जो दीवार में कटिंग करके कंड्यूट पाइप डाला था वो कंड्यूट कैंसिल करके पट्टी ठोका गया है, आप देख सकते हैं। देखिए, एक पॉइंट वहाँ पे है होल्डर लगा हुआ जहाँ पे, और एक यहाँ पे फैन का पॉइंट है। उसके बाद एक जो है देखिए लाइट का पॉइंट यहाँ पे है। अब पट्टी में जो है, देखिए पट्टी में इस तरह से सुंदर दिखाना होता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो वायरिंग है वो कंसील्ड वायरिंग होता है, अंडरग्राउंड वायरिंग होता है। पट्टी वाले में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसके बाद इसमें तिरछा और सीधा देखना पड़ता है, उसके बाद वायर डालने में, तो कुल मिला के मेहनत वाला काम हो जाता है पट्टी वाला। और अंडरग्राउंड में जब झिर्री कटिंग होता है, बस उसी टाइम ज़्यादा मेहनत होता है। तो देखिए, एक रूम ये हो गया जहाँ पे ये 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पे है बेड के पास, ये जो है ना, ये 6 मॉड्यूल का बोर्ड दिया गया है। एक जो है यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर का पॉइंट है ये वाला चार्जिंग के लिए, और एक यहाँ पे है 16 एम्पियर का पॉइंट, यानी कि 16 एम्पियर का पॉइंट पावर पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे वायर के बारे में बताता हूँ। देखिए, वायर यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm का वायर डाला गया है हर जगह पे। देखिए, यहाँ पे 1.5 mm का वायर नहीं लगा है। यहाँ पे इन्वर्टर के लिए, अर्थिंग के लिए सब 1 mm है। उसके बाद सप्लाई के लिए, न्यूट्रल और फेज के लिए 2.5 mm डाला गया है। दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो है रेड कलर का, ये देखिए ये वाला 2.5 mm है फेज के लिए रेड वायर। उसके बाद न्यूट्रल के लिए ये देखिए ये ब्लैक वायर है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टर के लिए जो है ये देखिए येलो कलर का वायर है, 1 mm ये वाला इन्वर्टर का है। अर्थिंग के लिए देखिए ग्रीन वायर है। तो अर्थ वाला आपको हमेशा डालना है, अर्थ जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। जब किसी को करंट लगता है तो बाईपास करंट हो जाता है, ज़मीन में चला जाता है, इसलिए अर्थिंग यहाँ पे देना ज़रूरी है। देखिए, ये अर्थ हो गया। उसके बाद 2.5 mm का ये न्यूट्रल है, 2.5 mm का ये फेज है। तो सबसे बेटर होगा, अगर बजट है तो फिर 1.5 mm को कैंसिल करके हर जगह पे 2.5 mm डालिए। कहीं भी किसी भी तरह का आप पावर पॉइंट दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पे 2.5 mm का वायर नहीं है, तो हाँ हम ये नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते। तो इससे बढ़िया है हर जगह पे आप 2.5 mm डालिए, किसी भी तरह का पावर पॉइंट आपको लगाना होगा लगा सकते हैं। ये पहला रूम था, आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया।
यहाँ पे दो बल्ब है बस और एक पंखा है और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे दिखाता हूँ। देखिए एक लाइट का पॉइंट यहाँ पे है और सीलिंग में जो है कंसील लाइट देखिए लगा हुआ है, अभी जल रहा है। ये देखिए एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट वो आगे है। उसके बाद ये देखिए ये है जो है दूसरा रूम है। अब दूसरे रूम में भी आप देख सकते हैं, देखिए पट्टी मेरा यहाँ पे है, बिल्कुल सीधा है। देखिए ये आँख से देख के ठोका गया है, देख के लेबल नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर हम लेबल करते तो पट्टी मेरा तिरछा दिखता, अगर सीलिंग का लेबल लेते तो फिर ये पट्टी तिरछा दिखता। इसलिए देखिए आँख से देख के यहाँ पे पट्टी ठोका गया है, आप देख सकते हैं। अब सेम उसी की तरह डिजाइन है। एक बोर्ड देखिए यहाँ पे दिया हूँ मैं 6 मॉड्यूल का, यहाँ पे एक 6 एम्पीयर का पॉइंट है और ये पावर पॉइंट है। अब पावर पॉइंट में आप क्या करेंगे, देखिए कनेक्शन बारीकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है, जहाँ पे 16 एम्पीयर का पॉइंट है वहाँ पे देखिए जैसे 2.5 एमएम वायर ये आ रहा है ना, तो इसको आपको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करना है 16 एम्पीयर वाले स्विच में, ना कि यहाँ पे करूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है इन्वर्टर से कनेक्शन इसका दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 1 एमएम वायर है और 16 एम्पीयर में आपको डायरेक्ट जो सप्लाई आ रहा है आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, उसको आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद यहाँ से जो लूप निकल रहा है स्विच से, उसके बाद उसको भी इसको देखिए 2.5 एमएम लगाना है। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो 2.5 एमएम रहेगा लेकिन यहाँ पे लूप निकालते हैं 1 एमएम का, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, जब यहाँ पे लोड डालेंगे कस्टमर तो फिर वायर अगर कमज़ोर होगा, वायर हीट होगा, जिसकी वजह से ये सॉकेट जो है वो जल जाएगा। इसलिए 16 एम्पीयर का जहाँ पे पॉइंट है स्विच में भी डायरेक्ट आपका ये 2.5 एमएम वायर आना चाहिए। उसके बाद जो स्विच से लूप निकल रहा है वो भी 2.5 एमएम होना चाहिए, देखिए यहाँ पे आ रहा है। और न्यूट्रल भी यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। अगर दो जगह सप्लाई आप भेज रहे हैं तो इस तरह से लूप निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट करने के बाद एक को यहाँ पे दे दिया 6 एम्पीयर वाले में और एक चला गया यहाँ पे 16 एम्पीयर वाले में। देखिए ये है 16 एम्पीयर और ये है 6 एम्पीयर। अब चलिए आगे दिखाता हूँ मैं। अब एक लाइट देखिए यहाँ पे है, उसके बाद दूसरा लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे है जो मैं पहले ही दिखाया हूँ। देखिए दो लाइट यहाँ पे है, सेंटर में एक फैन का पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। रेंट पे देना है, किराए पे देना है, ये जो रूम है इसको किराए पे देना है एज पर कस्टमर डिमांड, उसके हिसाब से वायरिंग यहाँ किया गया है। मीटर भी लगा है, इलेक्ट्रिक सब मीटर है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये 12 मॉड्यूल का बोर्ड है जिसमें 2 सॉकेट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 4 2 6 स्विच है, 2 ये स्विच जो है 6 एम्पीयर का यहाँ पे सॉकेट के लिए है। उसके बाद ये जो 4 स्विच लगा हुआ है, ये 3 स्विच सॉरी, ये 2 लाइट का है और एक फ़ैन का है। रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है क्योंकि किराए पे देना है, रेगुलेटर थोड़ा महंगा आता है इसलिए कस्टमर ने मना किया था। यहाँ भी देखिए 2.5 एमएम वायर है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक वाला वायर 2.5 एमएम। अब फेज वायर के लिए देखिए यहाँ पे इसके अंदर डाला है, इन्वर्टर से कनेक्शन किया गया है इसलिए ये 2.5 एमएम जो है यहाँ पे टेप लगा के ज्वाइंट करके इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे सारा कनेक्शन इन्वर्टर से दिया गया है और अगर इन्वर्टर हटाना हो तो फिर उस जगह पे आप ये फेज सप्लाई आप डाल सकते हैं। तो इन्वर्टर के लिए देखिए 1 एमएम है येलो कलर का। इसके बाद अर्थिंग के लिए यहाँ पे ग्रीन वायर है, आपको कभी भी भूलना नहीं है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, अर्थिंग आपको मिस नहीं करना है, अर्थ तो आपको लगाना ही है। ठीक है, आगे आइए, और भी ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा कि कनेक्शन आप कैसे करेंगे, स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने का सही तरीका क्या है। देखिए एक रूम वहाँ पे दिखाया था मैं, सबसे पीछे किराए पे देना है एक रूम, ये है उसके बगल में एक रूम है जो बना नहीं है, वहाँ पे किचन और टॉयलेट बनेगा। और एक रूम देखिए यहाँ पे है और इस रूम से ये वाला जो किचन है इसके साथ में, जो भी किराएदार लेगा किचन वाला किचन ये इस्तेमाल करेगा और रूम यहाँ पर रहेगा। अब किचन में देखिए यहाँ भी 2 सप्लाई है, 2 बोर्ड है सॉरी। देखिए एक तो ये है 8 मॉड्यूल का और एक देखिए ऊपर है यहाँ पे 3 मॉड्यूल का बोर्ड है। दरअसल ये जो है ये दिया गया है वाटर प्यूरीफायर के लिए, क्योंकि ये किचन का यहाँ पे देखिए किचन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिंक आएगा और सिंक के जस्ट ऊपर यहाँ पे आरओ आएगा यानी कि वाटर प्यूरीफायर, इसलिए ये बोर्ड दिया गया है यहाँ पे। अब देख सकते हैं 2.5 एमएम वायर है और अर्थिंग जो है ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये अर्थ वायर है और बाकी ये सप्लाई वायर है फेज और न्यूट्रल। ठीक है, ये भी पावर पॉइंट है, 16 एम्पीयर का दिया गया है। अब एक लाइट यहाँ पे दिया गया है नीचे, एक लाइट यहाँ पे है और एक लाइट देखिए यहाँ पे है। पट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है मेरा, एक नज़र आप देखिए बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे सूत वगैरह किसी भी तरह का लेबल नहीं लिया गया है, सिर्फ आँख से देखा गया है क्योंकि सीलिंग बराबर है ही नहीं, तो फिर लेबल कहाँ से लेंगे। और अगर लेबल पाइप से लेबल लेता तो भी सीलिंग के हिसाब से पट्टी तिरछा दिखता, और सीलिंग का लेबल लेता, सीलिंग तो लेबल है भी नहीं, तो भी पट्टी मेरा तिरछा दिखता। इसलिए आँख से देख के पट्टी को लगाया गया है। अब ये बोर्ड है 8 मॉड्यूल का, देखिए यहाँ पे एक 16 एम्पीयर का पॉइंट है जो कि ये फ्रिज का है और एक 6 एम्पीयर का है जिसमें
जो कस्टमर है वो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह यूज कर सकते हैं या फिर अदर कोई पॉइंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज आएगा, फ्रिज के लिए देखिए 16 एम्पियर का यहाँ पे सॉकेट है और 16 एम्पियर का यहाँ पे स्विच है, बाकी सब 6 एम्पियर है। ये दो स्विच जो है वो लाइट के लिए है और एक ये 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट के लिए है और ये 16 एम्पियर का स्विच जो है ये 16 एम्पियर के सॉकेट के लिए है। कनेक्शन आप देखिए इस तरह से करेंगे, ध्यान रखना आपको मैंने आपको जैसे ही बताया है जहाँ पे 16 एम्पियर का ये सॉकेट है इसमें आपको 1 mm वायर गलती से नहीं डालना है। कई बार आपने देखा होगा ये सॉकेट जो है जल जाता है, सॉकेट जलने का कारण ये है लोड से नहीं जलता है, ज़्यादातर जो है केस में क्या करते हैं इलेक्ट्रीशियन लोग यहाँ पे 1 mm वायर डालेंगे, जैसे यहाँ पे 2.5 है, 2.5 को यहाँ लगा देंगे साइड में और यहाँ पे पतला लूप निकाल, देखिए मुझे करंट लग गया, और यहाँ पे क्या करेंगे पतला लूप निकाल देंगे, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे हीट होने लगता है, जब ये पतला वायर होगा हीट होगा, हीट होकर ये सॉकेट या फिर स्विच जो है जलेगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी ये 16 एम्पियर का स्विच और सॉकेट हो, देखिए 16 एम्पियर का स्विच है सॉकेट है, वहाँ पे आप क्या करेंगे ये जो 2.5 mm वायर आ रहा है इसको आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्विच में उतारना है और 2.5 mm डायरेक्ट यहाँ पे सॉकेट में उतारना है, और ये जो लूप यहाँ से स्विच से आप निकालेंगे ये इसको आपको क्या करना है 2.5 mm लगाना है, गलती से 1 mm नहीं लगाना है यहाँ पे, नहीं तो गर्म होकर ख़राब होगा। और ये अर्थिंग तो भूलना ही नहीं है, देखिए अर्थ यहाँ पे लगाना है, इन्वर्टर वाला वायर जो है इन्वर्टर वाला कभी भी पावर पॉइंट में नहीं देना, नहीं तो यहाँ पे कोई फ्रिज लगाएगा या इंडक्शन लगाएगा या फिर इलेक्ट्रिक ओवन लगाएगा तो ओवरलोड बताएगा इन्वर्टर या फ्यूज जुड़ेगा इन्वर्टर का, इसलिए इन्वर्टर का जो कनेक्शन है ये 6 एम्पियर के लिए है, हल्के लोड के लिए है, इसमें आप 1 mm वायर लगा सकते हैं। तो कनेक्शन आपको इस तरह से करना है, देखिए फेज फेज जब दो जगह सप्लाई जाता है इस तरह से आपको लूप करना है, ज्वाइंट करना है, ये न्यूट्रल है, फेज है, उसके बाद ये जो है अर्थिंग है और ये येलो वाला इन्वर्टर है और ये दो हाफ है, यहाँ पे हाफ का मतलब दो लाइट का पॉइंट है, देखिए एक ये वाला एक ये वाला, सप्लाई यहाँ पे चालू है, लाइटें सब जल रही हैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये जो है ये अपना गैलरी वाला था और देखिए सीलिंग में लाइट सब कंसील लाइट यहाँ पे लगा हुआ है, ये जल रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, देखिए क्या करना है, अगर आपको रूम को रेंट पे देना है तो उस केस में क्या करेंगे, सब रूम का सेपरेट कनेक्शन निकालना है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और किचन का भी सेपरेट कनेक्शन निकालना है, उसके बाद मेन डीबी के पास ले जाके सब मीटर लगाना है, और ये जो गैलरी है उसके बाद जो बालकनी होता है वो जो है मकान मालिक के मीटर से जोड़ा जाता है, किराएदार जो होते हैं उनके मीटर में ऐड नहीं होता है, हालांकि ये जो है डिपेंड करता है कस्टमर और किराएदार दोनों की सहमति पे। ये किचन जो है उस रूम के साथ में अटैच है, देखिए इस रूम के साथ में ये किचन, उसके बाद इस रूम के साथ में ये वाला किचन, देखिए ये रूम है, इस रूम के साथ ये वाला किचन है। अब इसमें भी देखिए सेम उसी की तरह वायरिंग यहाँ पे किया गया है, एक बोर्ड देखिए यहाँ पे है, ये भी वही है 8 मॉड्यूल का, देखिए ये वाला फ्रिज के लिए है और ये 6 एम्पियर का पॉइंट है, दो यहाँ पे लाइट का है और ये स्विच इसके साथ है और ये स्विच इसके साथ है 16 एम्पियर का, देखिए जिस तरह से मैं बताया हूँ सेम यहाँ पे दिख रहा है, 2.5 mm वायर न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे फेज वायर स्विच में डाला जाता है, न्यूट्रल को डायरेक्ट स्विच में डालना है, लूप जो निकालना है पावर पॉइंट के लिए वो 2.5 mm रहेगा, देखिए यहाँ पे निकाला है, अर्थिंग भी यहाँ पे कनेक्ट है, और आरओ के लिए वाटर प्यूरीफायर के लिए देखिए एक बोर्ड यहाँ पे दिया गया है, सेम उसी तरह से वायरिंग किया गया है जिस तरह से उस किचन में दिखा के लाया हूँ। लाइट यहाँ पे दो है, एक ये देखिए ऊपर है यहाँ पे, उसके बाद एक लाइट देखिए यहाँ पे है, अब ये भी किचन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, देखिए एक लाइट यहाँ पे है, आइए बाहर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाला देख सकते हैं तीसरा रूम है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, 3 बोर्ड इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेड आएगा, बेड के पास ये बोर्ड दिया गया है 6 मॉड्यूल का, ये चार्जिंग पॉइंट है अधिक, और एक देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट है 16 एम्पियर का, यहाँ पे हीटर वगैरह लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2.5 mm वायर आपको हर जगह देना है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ग्रीन वाला अर्थिंग है, ब्लू वाला इन्वर्टर है और ये 6 एम्पियर का पॉइंट है, और लाइट देखिए यहाँ पे 3 है, एक देखिए इस दीवार पे है, पट्टी वाला वायरिंग है, आप देख सकते हैं इस तरह से पट्टी को यहाँ पे ठोका गया है, देखिए एक लाइट यहाँ पे है और एक देखिए यहाँ पे सीलिंग रोज है, ट्यूब लाइट वगैरह आएगा, उसके बाद एक देखिए यहाँ पे है, ये देखिए एक होल्डर यहाँ पे है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 12 मॉड्यूल का बोर्ड है, अब इसमें भी एक देखिए 16 एम्पियर का पॉइंट है और एक यहाँ पे 6 एम्पियर का पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए ये कुछ जो है स्विच है, ठीक है ऑन ऑफ करने के लिए। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे ये 16 एम्पियर का पावर पॉइंट है, तो इसमें ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन गलत किया हुआ है, तो यहाँ में इन्वर्टर आ रहा है, इसको निकाल के यहाँ पे फेज डालना होगा, देखिए यहाँ पे लूप जो है 2.5 mm का ही निकालना है, और 2.5 mm वायर जो फेज वाला है देखिए यहाँ पे अभी रखा है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे ला के कनेक्ट करना होगा, देखिए ये बिल्कुल बाहर हूँ मैं, और
यहाँ पे देखिए सप्लाई ऑन है, देखिए इंडिकेटर यहाँ पे जल रहा है, ये 6 एम्पियर का सॉकेट है और ये सब स्विच है लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। और वो देखिए एक लाइट वहाँ पे दिख रहा है और ये देखिए पट्टी कुछ इस तरह से यहाँ पे ये लगाया गया है। और अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेन जो है देखिए ये है, यहाँ पे ये जो डीबी है डबल डोर वाला है, लोकल डीबी है। और यहाँ पे जो ड्रेसिंग किया गया है देखिए बहुत सिंपल ड्रेसिंग हुआ है। अगर डीबी ड्रेसिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप देख सकते हैं क्लिक करके। तो बहुत ही सिंपल हुआ है क्योंकि यहाँ पे जगह इसके अंदर नहीं है इसलिए एकदम बिल्कुल सिंपल हुआ है। एक लाइट देखिए वहाँ पे है। अब ज़्यादा सप्लाई था, वायर ज़्यादा था तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो पट्टी को लगाना है। देखिए दो पट्टी यहाँ पे लगाया गया है, एक में जो है सब ये सब वायर आया है और एक में मेन सर्किट आया है। टोटल यहाँ पे 5 सर्किट है इसलिए देखिए 5 MCB यहाँ पे लगा है। और यहाँ पे जो है 2 मीटर लगा हुआ है, हालांकि 3 रूम है रेंट पे तो एक बाद में लगेगा, अभी यहाँ पे 2 मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए मीटर में कनेक्शन आपको कैसे करना है समझाता हूँ मैं। न्यूट्रल को अगर आप चाहें तो ये न्यूट्रल यहाँ पे जो लगा इसको ना लगा के डीबी में भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल का काम क्या है, सिर्फ यहाँ मीटर का प्रोग्रामिंग दिखाने के लिए, मीटर को ऑन करने के लिए। बाकी न्यूट्रल जो है सब यहाँ से लूप रहता है, सब एक ही रहता है तो न्यूट्रल यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल को आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फेज जो है यहाँ पे क्या करना होता है, फेज यहाँ से डिवाइड करना होता है, इनपुट फेज और आउटपुट फेज करना होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल और फेज दोनों आउटपुट करना सबसे ज़्यादा सटीक है क्योंकि अगर यहाँ पे सप्लाई पलट जाता है फेज और न्यूट्रल पोल से तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए आउटपुट भी फेज न्यूट्रल करिए, इनपुट भी फेज न्यूट्रल कीजिए। इनपुट में देखिए फेज न्यूट्रल आया है और आउटपुट ये वाला है जिसमें आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का वायर जो दिख रहा है, ये इन्वर्टर का है जो कि फेज के साथ में अटैच है। अब मान लीजिए कोई किराएदार आता है और इन्वर्टर वो लगाता है अपने अपने पास से, तो क्या करना होगा, ये इन्वर्टर यहाँ से हम इसको निकाल देंगे, ये वाला यहाँ से निकाल देना है। अब इन्वर्टर उसका उस रूम में चला जाएगा, सप्लाई वहाँ तक जाता रहेगा, इधर रिवर्स नहीं आएगा, इससे यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। अब ये न्यूट्रल हो गया और ये अपना फेज हो गया, एक इन्वर्टर है। उसी तरह से ये भी कनेक्शन है और डीबी का जो कनेक्शन है देखिए यहाँ पे हो गया है। ये जो है आइसोलेटर है, हालांकि आप चाहें तो MCB लगा सकते हैं। आइसोलेटर जो है यहाँ पे सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, कट करने के लिए लगाया गया है। शॉर्ट सर्किट में ये ट्रिप नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट में ये MCB ट्रिप होता है। आपको MCB को ट्रिप करके टेस्ट करना है कि वायरिंग सही है कि नहीं सही है।